देश की केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की भूमिका काफी अहम है। कुल केमिकल मार्केट में इसका हिस्सा करीब 20% है। इसके कारोबार में साल 2025 तक सालाना 10-11% ग्रोथ का अनुमान है। इसकी वजह से घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों के लिए भारत स्पेशलिटी केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, यानी भारत में स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियों की तरक्की के लिए खुला आकाश है। लेकिन इस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना कितना फायदा दिलाएगा और किन कंपनियों में निवेश किया जा सकता है, इसे समझने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि इन कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है या आगे कैसा रह सकता है। लेकिन उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स आखिर होते क्या है। तो ये ऐसे केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जो कई दूसरी इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल जैसे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए जैसे एग्रीकेमिकल, फूड एडिटिव्स, फ्रेग्रेंस, ल्यूब्रिकेंट, पेंट्स, पॉलीमर्स आदि। साथ ही ऑटो, फूड, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर्स उन उत्पादों पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। अब देखते हैं कि इन कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रह सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की दूसरी तिमाही में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियों के नतीजों में मजबूती जारी रहने का अनुमान है। एनर्जी कॉस्ट और कच्चे माल की लागत बढ़ने के बावजूद नतीजे मजबूत रहने की उम्मीद है। प्रोडक्ट कीमतों में बढ़ोतरी और मजबूत एक्सपोर्ट डिमांड से कंपनियों के नतीजे में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। क्रूड कीमतों में ऊपरी स्तरों से गिरावट के बावजूद केमिकल कीमतों में स्थिरता से कंपनियों के मार्जिन को हल्का सपोर्ट मिलेगा। अब ये जान लेते हैं कि इस बारे में ब्रोकरेज हाउस क्या कहते हैं। ब्रोकरेज हाउस फिलिप कैपिटल के मुताबिक दूसरी तिमाही में स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों की बिक्री में साल दर साल 31% और मुनाफे में 43% बढ़ोतरी का अनुमान है। अब ये भी जान लीजिए कि इस सेक्टर के लिए चिंता की बात क्या है। तो तिमाही दर तिमाही लागत से जुड़े कुछ अहम इनपुट प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी हुई है और कुछ की कीमतें स्थिर रही हैं। पर साल दर साल कीमतों में उछाल से मार्जिन पर दबाव जारी रहने की आशंका है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती एनर्जी पावर फ्यूल खर्च से भी मार्जिन पर दबाव की आशंका है। कोयले की कीमतों में साल दर साल 2.7 गुना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% की बढ़ोतरी हुई है, पर इस सब के बावजूद साल दर साल 1.5% के मार्जिन सुधार के साथ SRF एक अपवाद रह सकती है। डॉलर के मुकाबले तिमाही के दौरान रुपए में 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर कमजोरी रही है, जिससे कंपनियों को एक्सपोर्ट से जुड़ी आय में हल्का सपोर्ट मिलेगा। चलिए हमने ये तो समझ लिया कि इस सेक्टर के नतीजे कैसे रह सकते हैं, पर इस सेक्टर का आउटलुक कैसा है ये भी जानना जरूरी है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ साथ लागत में कमी आगे मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही मांग में रिबाउंड से छोटी अवधि में सेक्टर के डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा। मजबूत ऑर्डर फ्लो, एक्सपोर्ट्स की मजबूत मांग और एंड यूजर इंडस्ट्री से मांग में बढ़ोतरी से किया चोकसी सिक्योरिटीज ने सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव रखा है। तो आपने इस सेक्टर के आउटलुक और इस पर ब्रोकर्स के नजरियों को तो समझ लिया। हमारी राय भी यही है कि चुनिंदा शेयरों में ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको खरीदारी करनी चाहिए। अगर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा शेयर चुने तो आप किसी निवेश सलाहकार की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मनी लाइन के शोज में समय समय पर आने वाले एक्सपर्ट भी इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं।